हरियाणा में चुनावों का बिगुल बज गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है। हमारे साथ उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि जैसे सीएम ने कहा है कि 21 तारीख हमारे लिए शुभ है, किस तरह से सर ये शुभ है 21 तारीख? देखिए, जो 21 तारीख जो भी चुनाव आयोग ने डेट निश्चित कर दी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ है, और उसी दिन जो लोग अपना मतदान करेंगे, और 24 तारीख को एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करेगी कि आज तक 52 साल के इतिहास में किसी भी एक पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिला होगा, और 75 के आंकड़े से कहीं ज़्यादा सीटें जीतकर माननीय मनोहर लाल जी को दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। गोयल साहब, जैसा कि अभी देखा गया कि विधानसभा में आप किन मुद्दों को लेके जाएंगे और कहाँ पर आपके जो कमी रह गई है विकास की? देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, इसमें कोई पूरा होना, कोई कमी रहना कोई बात नहीं रहती। आज जो रोड बनी है वो कल टूटेगी भी, दोबारा भी बनेगी, लेकिन इसके अलावा कि इतनी लंबी लकीर विकास की जो माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 5 साल में हरियाणा में खींची है, मैं समझता हूँ कि आगे भी अनेकों मुद्दे और पहली बार एक ऐसा संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में लेकर जाएगी जो हरियाणा की जनता ने कैसा हरियाणा चाहते हैं, कैसा हरियाणा बनाना चाहते हैं, कैसा हरियाणा उनके सपनों का हरियाणा हो, वो उसके अंदर समायोजित, उनके विचारों को समायोजित किया है। जितने भी सामाजिक, धार्मिक, व्यवसायिक संगठन है, सब लोगों से फीडबैक लेकर एक संकल्प पत्र तैयार किया, और उसे हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, आप लोगों के लिए भी पब्लिश करेंगे। अभी जैसा देखा गया कि अभी एक 9 विधानसभाओं की रैली हुई थी जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि मुझे एक विकास कार्य गिना दें, मुझे कोई भी विकास कार्य नहीं देता, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल के 10 साल जो है उनका कंपैरिजन एक बार कर लें, लिस्ट निकलवा लें आप कॉरपोरेशन से, HSVP से, जिससे भी जो आप करना चाहें, कितनी बड़ी लकीर, कॉलेज की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, नेशनल हाईवे की बात हो, अपने मेट्रो की बात हो, नोएडा और गुड़गांव से कनेक्टिविटी की बात हो, कोई भी खेलों की बात हो, नारसिंह स्टेडियम को डेवलप करने की बात हो, टाउन पार्क को डेवलप करने की बात हो, कोई भी एक ऐसा मुद्दा तो नहीं है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम न किया हो। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा जो पिछले 25 साल से उपेक्षित था उसको मुख्यधारा में लाने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, जिन्होंने कहा है कि जो संकल्प पत्र में जितने हमारे कार्य थे हमने उनसे ज्यादा कार्य किए हैं, आगे भी हम विकास के कार्य को लेकर ही जाएंगे, उसी पर जनता हमें वोट देगी। नरेंद्र शर्मा, R9 TV के लिए फरीदाबाद।